हेलो ह्यूमन काइंड, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। द फाइटोप्लैंक्टन एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, 9th स्टैंडर्ड साइंस एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में मैटर का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि मैटर हमारे सराउंडिंग में मौजूद होता है और मैटर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने मैटर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया। सेकेंड चैप्टर में हमने देखा कि जो मैटर हमारे सराउंडिंग में है, क्या वो प्योर फॉर्म में होता है। हमने मिक्सचर के कंसेप्ट को समझा, कंपाउंड्स के कंसेप्ट को समझा। आज के चैप्टर में मैं आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चों कि एटम्स क्या होता है। एंशियंट इंडियंस एंड ग्रीक फिलोसफर्स, दे हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। जैसे मैंने आपको कहा कि मैटर जो होता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, तो पुराने टाइम से जो एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर थे, ये इस बारे में सोचते थे कि जो अनसीन पार्ट होता है मैटर का, ये एक्चुअल में क्या होता है। लेकिन जो उसको तोड़ने का, मतलब उसको तोड़ते रहो, तो ये जो आइडिया है डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, इट वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। इंडिया में ये बहुत पहले से इस बात को जाना जाता है, अराउंड द 500 BC। बच्चों, एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कानद। उन्होंने पोस्टुलेट किया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहें तो एक स्टेज ऐसी आती है कि मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ, ठीक है। तो इस मैटर को, यानी कि पदार्थ को, अगर हम तोड़ते रहें तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर वो टूटना बंद हो जाता है। तो अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज पर हम पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसका फर्दर डिवीज़न नहीं होता, और इस स्टेज को हम कहते हैं परमाणु। तो ये बात कही थी महर्षि कानद ने। बच्चों, दूसरे इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था पाकुदा कत्यायमा। इन्होंने भी इसी डॉक्ट्राइन को एलेबोरेट करके कहा कि जो पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की आप बात कर रहे हो, ये पार्टिकल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, लेकिन ये क्या करते हैं, ये सराउंडिंग से पार्टिसिपेट करके, कंबाइन करके मैटर बना लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है, सेम बातें हैं दोनों, बस अलग अलग तरीके से कही गई हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ध्यान देने की यही है, अराउंड द सेम एरा, उसी एरा में एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स आते हैं, डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहें तो एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर उसका डिवाइड करना बंद हो जाता है, और उस स्टेज को हम कहते हैं इंडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी कि एटम्स। तो एटम्स का मतलब इनकी लैंग्वेज में था इंडिविजिबल। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि सेम एरा में इंडियन फिलोसफर्स इस बारे में बात कर चुके हैं, उसी सेम एरा में एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर ने भी यही बात कही, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ क्या था, ये था फिलोसफिकल कंसिडरेशन। हमारे पास अभी तक कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क इसको वैलिडेट करने के लिए नहीं था टिल द 18th सेंचुरी। अब एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकोगनाइज करते हैं डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब इन्होंने कहा, साइंटिस्ट ने, कि एलिमेंट्स तो मौजूद हैं, एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन, लेकिन ये कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं, वाटर कैसे बनाते हैं, कार्बन अगर मौजूद है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाता है, तो हाउ एंड व्हाई ये एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और क्या होता है जब ये कंबाइन करते हैं। तो एंटोनी एल लेवोसियर, जिन्होंने नींव रखी थी केमिकल साइंस की, उन्होंने एस्टैब्लिश किए दो इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। अब जब बच्चों ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं, तो इस तरह की रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसके में कुछ लॉज होते हैं, किस तरीके से रिएक्शन पॉसिबल है, क्या क्या हमें कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए रिएक्शन बनाने के लिए। तो इन सबको बताने के लिए इन्होंने दो लॉज को एस्टैब्लिश किया, जहां पे पहला लॉज था बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां पे आपको साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, ये हैं लेवोशियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर नाम किसी का भी नहीं दिया गया कि पर्टिकुलर लॉ किस इन साइंटिस्ट ने बनाया, ये अलग अलग लोग आपको बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों के नाम एक ही साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने ही ये दोनों लॉज बनाए हैं। तो फर्स्ट लॉज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप ऐसे समझे, जैसे बच्चों हम एनर्जी का लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वहाँ पर हम कहते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे कि हमारे पास हीट एनर्जी होती है जो सनलाइट से आती है, ठीक है, हीट एनर्जी, उसको हम स्टोर करके अपनी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में रख लेते हैं अपने बैटरों में, फिर उससे हम हवा ले लेते हैं अपने, या फिर हमारे पास कोई माइक होता है उसके हम आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, साउंड एनर्जी। मतलब क्या होता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है, ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती और हम उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से बच्चों ये कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मास जो होता है, जितना अमाउंट होता है जिसकी हम रिएक्शन करते हैं, वो एज इट इज़ रहता है, वो चेंज नहीं होता। इसको समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है। एक्टिविटी में हम देखेंगे कॉपर सल्फेट, इसको हम लिखते हैं CuSO4 से, एंड सोडियम कार्बोनेट होगा आपका Na2CO3, ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4, देन लेड नाइट्रेट PbNO3, एंड सोडियम क्लोराइड NaCl।
तो ये कंपाउंड्स है, ये है एक्स एंड ये है वाई। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि आपको 5% सॉल्यूशन बनाना है किसी भी एक्स सब्सटेंस का, मतलब किसी भी एक्स वाई को आप ले लें, ये एक्स वाई का मतलब एक एक्स एक वाई आपको लेना है, 10 ml वाटर के अंदर इन दोनों को डाल देना है। तो 10 ml वाटर लिए, या तो आप ये वाला पेयर ले लो, ये वाला कोई सभी पेयर ले लो। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, इग्निशन ट्यूब एंड कंटेनिंग सॉल्यूशन एक्स, ये आपका जो फ्लास्क है कॉनिकल फ्लास्क, इसके अंदर आपने अमाउंट लिया सॉल्यूशन वाई, एंड जो आपकी ये इग्निशन ट्यूब है इसके अंदर लिया सॉल्यूशन ऑफ एक्स। उसके बाद ये धीरे 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 ये इसके अंदर गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप इसका वेट चेक करेंगे। उसके बाद जब आप इसकी लास्ट स्टेज पर जाएंगे, व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन, अंदर रिएक्शन होती है, रिएक्शन के बाद जब आप इसका मास देखेंगे तो वो इक्वल होगा, यानी कि आपने जितना मास इसमें डाला था, मान लो इसमें था 5 और यहाँ पर था 5, तो रिएक्शन तो हो रही है केमिकल रिएक्शन अंदर, लेकिन केमिकल रिएक्शन के बाद भी जब आप इसको वेट करेंगे, अच्छा हमने यहाँ पे कॉर्क लगाया, इसका मतलब ये है कि इसमें से अगर कुछ गैसेस वगैरह रिलीज होनी हो तो वो बाहर नहीं आएंगी, ठीक है, हमें टोटल अमाउंट देखना होता है। तो ये यहाँ पे पता चलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। बच्चों इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे आपने चाय बनानी है तो चाय बनाने में आप क्या क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने के लिए हमें वाटर लेना है सबसे पहले, देन आपको टी लीव्स लेनी है, देन आपको शुगर लेनी है, उसके बाद आपको मिल्क लेना है, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको लेनी है, इलायची वगैरह जो भी आपको लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपकी रिएक्शन हुई और आपकी बनी चाय, ठीक है। जब ये चाय बन गई तो इसके साथ आपको तो लगेगा कि चाय का अमाउंट कम हो गया, लेकिन इस चाय के साथ जो हीट निकलती थी, जो स्टेम निकली थी वहाँ पे, आपको उस स्टेम को भी रिकॉर्ड करना है, ठीक है, कितनी अमाउंट में स्टेम निकली। उसके बाद जो टी लीव्स आप अलग कर देते हैं, उन टी लीव्स को भी लेना है। उसके बाद जो भी कुछ आपका अमाउंट था उसको सबको एक साथ जोड़ के जब आप वेट करेंगे तो जितना मास इस सारे रिएक्टेंट का था जो आपने डाले थे चाय बनाने में, वो सारे मिला के इसके इक्वल होंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों, हमारा कोई सभी मास जो है वो ख़राब नहीं जाता है, वो इक्वल अमाउंट में रहता है। तो ये होता है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन लेवोशियर एंड अदर साइंटिस्ट ने नोट किया कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसके अंदर जो सेम एलिमेंट्स होते हैं सच एज कंपाउंड, दे हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड्स केम एंड फ्रॉम हु प्रिपेयर्ड इट। मतलब जैसे कि आपके पास है वाटर, अब आप वाटर अगर आपने जो पीने का पानी है आपकी बिस्लेरी की बोतल के अंदर एग्जांपल के तौर पे, उस वाटर की जो केमिकल कंपाउंड से 2 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, ये है। अगर आप कोई गंदा सा पानी कहीं से उठा कर लाते हैं तो उसमें जो H2O होता है बच्चों, उसमें भी 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन होता है। तो ये जो प्रोपोर्शन है आपके मॉलिक्यूल कंपाउंड्स की, ये हमेशा सेम रहती है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन अ कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। 1:8 क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये आपका वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन का मास क्या होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है आपके पास 16 और मॉलिक्यूल है 1, तो ये आ जाएगा आपका 2:16, इसको हम कहेंगे 2:1:2 एंड 1:2:16, तो ये 1:8 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ NH3 का, तो NH3 एन का मास होता है 14 एंड हाइड्रोजन का होता है 3, तो ये हो जाएगा आपका 14:3। यहाँ पे ये कट नहीं सकता, तो ये मास इसका रेशियो इसी तरीके से रहेगा। तो कहने का मतलब ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, कि जो रेशियो होता है, जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, वही सेम रहता है, उसको आप कहीं से भी उठाकर ले आएं लेकिन वो चेंज नहीं होगा। अब आप ये कहें कि अमोनिया जो यहाँ पर है हमारे इंडिया में अमोनिया, और जो साउथ में अमोनिया है, या फिर आपका US में कहीं पर भी जो अमोनिया है उसका प्रोपोर्शन अलग है, ऐसा नहीं होता है बच्चों, वो सेम रहता है हमेशा, ठीक है। This led to the law of constant proportion, which is also known as law of definite proportion, and it was stated by Prost. ये जो Prost है, इन्होंने इस definition को दिया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। In a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by the mass. किसी भी chemical substance में जो elements present होते हैं वो एक definite proportion में होते हैं। उसके बाद next problem ये face की scientist ने, कि ये जो appropriate explanation है उसको एक British chemist जिनका नाम है John Dalton, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपनी basic theory दी, जहाँ पर उन्होंने matter के नेचर के बारे में बताया। इन्होंने क्या किया, जो डिविजिबिलिटी का आइडिया है, एक्चुअल में उसी आइडिया को पिक किया और अपनी एक फिलॉसफी दी और उसको नाम दिया डॉल्टन्स थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की बात करते हैं, मैटर्स की, जिसको हम एटम कहते हैं। इन्होंने मतलब फाइनली कह दिया कि जो मैटर होता है उसकी जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है दैट इज एटम, ओके। अब अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं, थोड़ा सा पहले इनके बारे में जान लेते हैं। जॉन डॉल्टन ये एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड के रहने वाले थे। उसके बाद 1808 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसका नाम है एटॉमिक थ्योरी। तो यहाँ पे इनके जो 6 पोस्टुलेट्स थे उनमें फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी थिन पार्टिकल्स
कॉल्ड द एटम, मतलब जितने भी मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के, थिन पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिनको हम एटम्स कहते हैं. विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, तो इन्होंने क्या कहा, ऑल मैटर, जितने भी मैटर मौजूद होते हैं वो बहुत थिन टिनी पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिनको हम एटम्स कहते हैं. अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आपका एटम हुआ, और यही एटम्स एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, इनको हम दोबारा फर्दर तोड़ नहीं सकते, इनको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में. एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. जैसे मैंने आपको कहा कि H2O, अगर इसका टोटल मास हम देखें तो 16 और 2 आपका 18, तो आप कुछ भी केमिकल रिएक्शन कर लें, जहाँ पर भी H2O की बात आएगी मास आपका 18 ही रहने वाला है. कुछ भी केमिकल रिएक्शन करें, अगर NH3 का हम देखें तो ये 14 एंड ये 3 आपका हो जाएगा 17, ये हमेशा 17 ही रहने वाला है, तो ये सब चेंज नहीं होगा. तो इसी को ये कह रहे हैं, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट मासेस एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज. ये बात भी है कि जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कॉपर आपका अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, तो कॉपर का मास अलग हुआ, हाइड्रोजन का अलग हुआ, इनके मास भी अलग होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती है. एटम्स कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड. देखो बच्चों, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये कि एटम्स किस तरीके से कंबाइन करते हैं, इनका रेशियो स्मॉल नंबर होता है, या फिर मतलब रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होता. यहाँ पे जैसे कि आप देखिए, आप एक जब हम कहने कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल के पास हम पहुँच गए, ठीक है, अब इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो हाफ तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए होल नंबर होता है टू फॉर्म द कंपाउंड. जैसे कि आप देखेंगे कि H2O का रेशियो हमने क्या निकाला, 1:8. अब ऐसा नहीं हो सकता 1:1.5, ठीक है, क्योंकि एटम्स जो है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. द रिलेटिव नंबर ऑन काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. जो भी रिलेटिव नंबर्स एंड ये कॉन्स्टेंट रहते हैं किसी भी कंपाउंड्स में, ये चेंज नहीं होते. ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज़, यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट द एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉल पार्टिकल्स. अभी तक बच्चों हम पढ़ते आ रहे थे कि मैटर है, मैटर के स्मॉल पार्टिकल्स है, अब इस चैप्टर में हम पहुंच गए स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे, जिसको हमने कहा एटम. अब ये कितनी अजीब सी चीज़ आ गई कि अब एटम्स भी हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल का होता है. अब एटम्स के अंदर क्या होते हैं, एक्चुअल में पार्टिकल्स नहीं होते, ये एटम है आपका. तो एटम्स के अंदर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन होता है सेंटर में, एंड यहाँ पे होते हैं न्यूट्रॉन्स, के चारों तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन. तो इन सब के आगे वाले चैप्टर में हम बात करेंगे, ठीक है. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ एन एटम. तो एटम क्या है, हैव यू ऑब्जर्व दैट ए मैसन बिल्डिंग. जब हम कोई बिल्डिंग्स को देखते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा रूम है वो एक्चुअल में स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स का बना होता है, ठीक है. तो अगर मैं हम आपसे कहें कि इसमें स्मॉलेस्ट थिंग क्या है, तो आप कहोगे ब्रिक्स होती है स्मॉलेस्ट थिंग. इसी तरीके से जो आंट होती है, आंट हिल, उसको हम कहें कि इसमें स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, तो आप कहोगे जो सैंड होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है. इसी तरीके से बच्चों, जो मैटर होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एटम. ये बात तो हमें समझ आ गई. एटम्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं. दे आर स्मॉलर देन एनी थिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद. इतने छोटे होते हैं कि हम इनको किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते, हम इनके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते. मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टॉक्ड स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर बेयरली अ थिक एज शीट ऑफ पेपर. मतलब अगर मिलियंस ऑफ एटम्स को एक साथ मिला ले, मिलियंस, जब जाके एक स्मॉल थिन शीट बनती है पेपर की, तब आप सोचिए कि कितने स्मॉल एटम्स होते होंगे, ठीक है. जो रेडियस है एटम्स की वो होती है 1 नैनोमीटर में होती है 10^-9 meter. यहाँ पे 9 meter, 10^-9 meter, ठीक है. अब ये रेडियाई है, जो हाइड्रोजन है उसका 10^-10, वाटर है 10^-9, इस तरीके से दिया गया है. आगे पढ़ते हैं, वी माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज. अगर इतना ही इनसिग्निफिकेंट, मतलब इतना छोटा साइज है, उसके बावजूद भी हम इतना ज़्यादा मैटर के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं. एक्चुअल में बच्चों, जो ये मैटर होता है, ये हमारी रियल लाइफ में इतना ज़्यादा हमें मतलब इससे वो होता है, फर्क पड़ता है. द इट इज़ बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम. पूरा का पूरा वर्ल्ड हमारा एटम्स का बना होता है, तो ये हमें कॉन्स्टेंटली अफेक्ट करता रहता है, ठीक है. दो द मॉडर्न टेक्निक्स, इसीलिए हमारे पास अब ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें हम मैग्नीफाइड इमेजेस होती हैं, हम एटम्स को देख सकते हैं. यहाँ पे उसी टेक्निक्स के जरिए हमने एक सिलिकॉन की सरफेस का पिक्चर लिया है, जिस पर आप सिलिकॉन का एटम्स को देख सकते हो. ओके, सिलिकॉन को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. देन व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. तो डाल्टन्स ने, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स यूज़ किया था, कुछ स्पेसिफिक सेंस के जरिए उन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन का ये सिंबल होगा, कार्बन का ये, मतलब ये एकदम एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक सेंस के जरिए बताए गए हैं. तो बर्जीलियस ने भी सजेस्ट किया कुछ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स मेड फ्रॉम 1 or 2 letter एंड नेम एज एलिमेंट. इस तरीके से उन्होंने दिया कि कॉपर का ये सिंबल सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, लेड का ये सिंबल, प्लेटिना,
ये कुछ सिंबल दिए गए हैं। अच्छा बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई यहाँ पे, ये आती है कि जो एलिमेंट्स के नाम होते हैं उनको हमने पहले डेराइव किया कुछ प्लेस के नाम से, जैसे कि यहाँ पर है आपके सामने कॉपर, कॉपर को हमने डेराइव किया था साइप्रस, ये एक जगह थी उसके हिसाब से। गोल्ड को हमने गोल्ड कहना शुरू किया क्योंकि इंग्लिश में गोल्ड को, मतलब ये येलो कलर का था तो इंग्लिश में जो येलो होता है उसको गोल्ड कहते हैं। लेकिन बच्चों सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि एरिया वाइज तो हम नहीं समझ सकते, इसीलिए ओवरऑल पूरे दुनिया की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने IUPAC नाम देने शुरू किए। ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब आपने एक पर्टिकुलर चीज़ को, ये आपका मेथेन है, इसको आपने IUPAC जो भी नाम देंगे वो आपके पूरे वर्ल्ड में इसको मेथेन ही बोलेंगे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये रीजन वाइज नहीं होता बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम IUPAC नाम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका, हम साइंटिफिक नाम यूज़ करते हैं अपने एनिमल्स का, बॉटनिकल नेम यूज़ करते हैं प्लांट्स का, तो ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक से नाम होते हैं ताकि हम इनको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकें। ओके, तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके नाम दिए गए हैं। ये आपके हाइड्रोजन है, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्यूमिनियम को AL से, AL कैपिटल L नहीं करना, अगर आपके सामने C और O कैपिटल दिया है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, लेकिन अगर C और O छोटा सा दिया है तो ये कोबाल्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जिनके भी हम नाम देते हैं पहला लेटर कैपिटल होता है और छोटा दूसरा लेटर स्मॉल होता है, लोअर केस होता है, ठीक है। कुछ नाम ऐसे भी हैं जो हमने पहला लेटर ले लिया, जैसे कि क्लोरीन का ये ले लिया और बीच का लेटर L ले लिया, क्लोरीन, जिंक, तो ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं एल्यूमिनियम, आर्गन, बैरियम, अब आप इनको रटने मत बैठना क्योंकि ये धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे सब याद हो जाते हैं। अब एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं, तो बच्चों एटॉमिक मास होता है जो हमारा एटम है, जो जिसके हम बात कर रहे हैं एटम, उसका जो मास होता है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ईच एलिमेंट हैड अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक मास, द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जैसे कि H2O के में हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात की 1:8 की, इसी तरीके से यहाँ पे ये किस वजह से आया, एटॉमिक मास की वजह से। हमने देखा हाइड्रोजन का मास 1 था और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन का मास 1 था, सॉरी 16 था और उसके 1 मॉलिक्यूल, तो 2:16 हुआ यहाँ पे एंड 1:8। तो ये जो होता है मास, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। ओके, देन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है, देन इट वाज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली। अच्छा ये थोड़ा सा डिटेल में है, ये हम बाद में करेंगे, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फॉर्म कंपाउंड्स। यहाँ पे बच्चों ये दिया गया है कि जो हमने एक यूनिट देनी शुरू की है मास की, देखो मैं आपको पहले इसके ज़रिए बताती हूँ कि जब भी हम किसी चीज़ को वेट करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा आपने अगर स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ी हो कि SI यूनिट कैसे आई, उससे पहले हमारे पास जब हम नापते थे किसी भी चीज़ को तो हम कैसे नापते थे कि इंडिया के अंदर, इंडिया के कुछ रीजन्स के अंदर हम कह रहे हैं कि ये इतना पाउंड का है या फिर ये इतने ग्राम, मतलब कुछ कुछ स्पेसिफिक ज़रिया नहीं था। कुछ लोग अपने हाथ से मीटर को नापते थे अपने हाथ के हिसाब से, कुछ लोग फीट के हिसाब से नाप लेते थे, तो ये क्या था, सबकी समझने आने वाली चीज़ नहीं है। इसीलिए हमने एक इंटरनेशनल यूनिट बनाई जिसको हम मीटर कहते हैं। तो हमारे पास कुछ रेफरेंस हुआ कि हमने पर्टिकुलर चीज ली, इतनी बराबर चीज को मीटर कहेंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने ही जगह को हम मीटर कहते हैं। तो इसीलिए ये चीजें जरूरी है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम चीजों को एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाएं। जैसे मैंने अभी आपको बताया IUPAC का नाम हमने दिया। अच्छा बच्चों, फ्रूट मास यूनिट, ये क्या होती है, जब एक फ्रूट सेलर अपना कुछ सामान बेचता है तो क्या कहता है लोगों से, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दे रहे हैं, उसने अपने एक वाटरमेलन को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया और वो कहता है कि मैं जो इतने अमाउंट्स में आपको ये फ्रूट दे रहा हूँ ये 1/12 है मेरे इस वाले पार्ट का, तो इसको रेफरेंस मान के 1/12 ऑफ द वाटरमेलन, इसको रेफरेंस मान के ये अपने आइटम्स बेचता है। इसी तरीके से हमने जब एटॉमिक मास लिया किसी भी एटम का तो उस वहाँ पे हमने रेफरेंस माना कार्बन के 12 आइसोटॉप्स का। कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। तो यहाँ पर हमने कार्बन 12 का आइसोटॉप्स को अपना रेफरेंस पॉइंट माना और उसके हिसाब से हमने बताया कि जो एटॉमिक मास होता है एक्चुअल में वो 1/12 होता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस आती है। इससे बच्चों हमें क्या मिलता है, इससे हमें रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है जिसके हिसाब से हमारे जो एटॉमिक मास आते हैं, हाइड्रोजन का 1 आया, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ये हमने बात भी की, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, तो इस तरीके से निकल कर आते हैं। आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। अच्छा ये एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ज़्यादातर एटम्स ऐसे होते हैं जो अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बट एटम्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स, दीज मॉलिक्यूल्स और आयन एग्रीगेट इन द लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट कैन वी सी, फील एंड टच। तो क्या होता है, स्मॉल स्मॉल ऑक्सीजन से हम कहें कि तुम अकेले रहो, ऑक्सीजन अकेला नहीं रह सकता, ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से बाइंड करके ये O2 बना लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एटम्स होते हैं जो अकेले नहीं रह सकते, सभी की बात नहीं हो रही लेकिन मोस्ट ऑफ दी एटम्स, तो ये दूसरों के साथ बाइंड करके और ये बड़े बड़े मैटर की फॉर्म में बन जाते हैं। और वो मैटर ऐसे होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एटम्स अपने आप में इतना छोटा होता है कि हमारी नेकेड आई से नहीं दिखता।
अब पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो मॉलिक्यूल्स को जनरली बच्चों एक ग्रुप होता है टू और मोर एटम्स का। तो एटम्स इतने छोटे हैं, अब ये बहुत सारे एटम्स एक साथ मिलकर आपका मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। देट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, ये एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड रहते हैं। टाइटली हेल्ड टुगेदर बाई अट्रैक्टिंग फोर्स, इनके बीच में आपस में एक अट्रैक्टिंग फोर्स होता है। अ मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट और अ कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे क्या बात आ रही है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बारे में, जैसे कि H2 है, किसी भी कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है दैट इज आपका एटम। तो ये कैसे बन रहा है, यहाँ पर आपके पास आ रहा है कोई भी कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट बनेगा मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल का स्मॉलेस्ट एटम। बस इस तरीके से आपको याद रखना है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। मतलब एक ही तरह के एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, ये सेम एलिमेंट के मिलकर बना लेंगे आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और डिफरेंट एलिमेंट के भी जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर बना लेंगे आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स बनता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूट बाई द सेम टाइप्स ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब इस तरह के जो एलिमेंट हैं ये अकेले रहते हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं ये, तो ये आपके सिंगल एलिमेंट वन टाइप ऑफ एलिमेंट से बने होते हैं। बट दिस इज नॉट द केस व्हेन मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, जब ज़्यादातर नॉन मेटल्स मिलती हैं तो सिर्फ यही नहीं कि एक ही तरह के, अलग अलग तरीके के, जैसे कि आपका NaCl बनेगा या आपका CuSO4 बनेगा, तो ये अलग अलग एलिमेंट्स आपस में मिलकर जब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हैंस इट इज नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर बना देते हैं दो एटम्स का, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से जब हम नंबर्स की बात कर लेते हैं तो उसको कहते हैं एटोमिसिटी। इस एटोमिसिटी के मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखिए आर्गन है आपका, तो ये आपका अकेला रहता है आर्गन, तो इसको हम मोनोटोमिक कहेंगे। हीलियम है, अकेला रहता है, मोनोटोमिक। ऑक्सीजन डबल रहता है तो इसको डायटोमिक। नाइट्रोजन भी आपका डबल रहता है, N2 नाइट्रोजन गैस आपने देखी हो, हाइड्रोजन H2, तो ये आपका डायटोमिक। क्लोरीन आपका C2, फॉस्फोरस बच्चों टेट्रा P4 होता है। सल्फर आपका कई फॉर्म में रहता है, S4 भी होता है, S8 भी होता है, इसलिए इसको हम पॉलीएटोमिक कहते हैं। ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, अब तो हम बात करने वाले हैं कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के। अभी मैंने बताया था कंपाउंड्स, देन मॉलिक्यूल्स, देन एटम्स। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। जो एटम्स हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन के, वो जॉइंट एक साथ जॉइंट होकर मॉलिक्यूल्स के बना लेते हैं कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखेंगे वाटर, वाटर में आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये बार बार एग्जाम्पल हमारे सामने आ रहा है, इसका रेशियो 1:8 अभी मैंने आपको बताया। अमोनिया 14:3, कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 के साथ, कार्बन का कितना था 12 एंड ऑक्सीजन का 32, ठीक है, नहीं ऑक्सीजन का है आपके पास 16, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 एंड 16 × 32। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 4 × 3 = 12 एंड 4 × 8 = 32, ठीक है, ये आपका 3:8 आ जाएगा। तो ये बच्चों किस तरीके से हमने किया, ये इस टेबल के अंदर दिखाया गया, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सिमिलर। वट इज एन आयन, अब आयन क्या होता है, कंपाउंड्स कंपोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज्ड पार्टिकल्स, द चार्ज स्पेसीज आर नोन एज आयन। जो कंपाउंड्स होते हैं मेटल्स के या नॉन मेटल्स के, वो चार्ज्ड पार्टिकल्स, उनके ऊपर जो चार्ज स्पेसीज होती हैं, कहने का मतलब ये है बच्चों जैसे कि आपके पास सोडियम है, ठीक है, तो हर एक एटम क्या चाहता है, हर एक एटम चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर मैं आपको कॉन्फिगरेशन के बारे में बताऊँ तो हम कॉन्फिगरेशन ऐसे करते हैं 2 8 8, अब ये क्या होता है तो आपको समझ में नहीं आएगा इतनी जल्दी, तो मैं आपको थोड़ा सा बस स्मॉल तरीके से बताऊंगी। जैसे कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, आप पीरियोडिक टेबल के अंदर जाएं वहां पे देखेंगे। अब हम इसको डिवाइड करें तो 2 8 एंड 1 बचेगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो हम इसको डिवाइड करें 2 8 एंड 7 बचेगा। अब हर एक एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे तो 1 है, तो ये क्या करेगा, यह यहाँ से अपना 1 देने की कोशिश करेगा ताकि यहाँ पे 8 रह जाएं, और ये क्लोरीन के पास में 7 है तो क्या करेगा, 1 लेने की कोशिश करेगा। तो इसी तरीके से सोडियम जो होता है वो 1 दे देता है। अब देने वाला तो हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसको हम दाता कहते हैं, और जो क्लोरीन होता है वो ले लेता है 1, तो इसको निगेटिव। तो इस तरीके से हमारा बनता है सोडियम क्लोराइड कंपाउंड NaCl। इसको अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, इनका रेशियो होता है 5:5:2। कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे आपके पास है कैल्शियम एंड ऑक्साइड, कैल्शियम का होता है 40 एंड ऑक्सीजन का होता है 16, ये हमने देखा। अब आप इसको डिवाइड करें, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 2 = 16 एंड 8 × 8 = 40, ठीक है, 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड, तो ये आप सब चेक करके देख सकते हैं, कोई समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेंगे। देन राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत ईजी होता है जब हमें ये पता होता है कि इसकी वैलेंसी क्या है, तो हम केमिकल कंपाउंड्स को आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों वैलेंसी की बात की मैंने, वैलेंसी क्या होती है, चलिए ये समझते हैं, क्योंकि वैलेंसी के जरिए से ही हम केमिकल कंपाउंड्स को लिख पाते हैं।
द कंबाइनिंग पावर और द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी. एक एलिमेंट के पास कितनी कंबाइनिंग पावर है, कितनी लोगों को वो कंबाइन कर सकता है, उसको हम कहते हैं उसकी वैलेंसी. वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ द अनदर एलिमेंट टू फॉर्म द केमिकल कंपाउंड. वैलेंसी होती है कि एक जो एलिमेंट है, एटम है, वो दूसरे एलिमेंट्स को कंबाइन करने के लिए कितनी उसके पास कैपेसिटी है. तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, द वैलेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एन हैंड्स एंड आर्म्स ऑफ एन एटम. हमें क्या करना है, हमें समझना है कि जो वैलेंसी है उसको हम किसी भी एलिमेंट्स के हाथ समझेंगे. ठीक है, ये आपके पास कोई भी एलिमेंट है ए, तो इसके जो हाथ हैं एक्चुअल में ये है इसकी वैलेंसी. सिर्फ हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ. अब ह्यूमन बींग्स हैं, उनके दो हाथ होते हैं, और ऑक्टोपस के कितने होते हैं, 8 हाथ होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि क्या करना है, इफ़ एन ऑक्टोपस हैज़ टू कैच होल्ड्स ए फ्यू पीपल्स इन सच ए मैनर दैट ऑल द 8 आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस एंड बोथ आर्म्स ऑफ द ह्यूमंस आर लोड. मतलब एक ऑक्टोपस जो है जिसके 8 हाथ हैं, 2, 2, 2, 4, 6, 8, ये 8 हाथ हैं, इस 8 हाथ वाले ऑक्टोपस को ऐसा करना है, जो ह्यूमन के 2 हाथ वाला ह्यूमन होता है, मतलब ह्यूमन के 2 ही हाथ होते हैं, इसको ऑक्टोपस को और इनको आपस में हाथों को बाइंड कर लेना है. ठीक है, इनको लॉक्ड कर लेना है. तो यहाँ पे ऑक्टोपस क्या करेगा, एक ह्यूमन से करेगा, दूसरे ह्यूमन से, सॉरी ये वाला नहीं मिलेगा, ये मिल चुका, दूसरे ह्यूमन से, फिर ये 2 हाथ करेंगे दूसरे ह्यूमन से, ये 2 हाथ दूसरे. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमंस को बाइंड कर सकता है, 4 ह्यूमंस को बाइंड कर सकता है. तो फॉर्मूला क्या बना, OH4, यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला. तो बच्चों आपको इस फॉर्मूले को, इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर आगे बढ़ना है कि जो वैलेंसी है वो क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की कितनी कैपेसिटी है, उसके कितने हाथ होते हैं, बस ये आपको समझना है. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो देखो, मैंने आपको बताया था सोडियम के पास कितने हाथ होते हैं, सोडियम के पास 1 हाथ होता है, एंड क्लोरीन के पास भी 1 हाथ, क्योंकि 1 ले लेता है वो. तो यहाँ पे ये दोनों अपना एक एक हाथ के साथ बांधेंगे और बन जाएगा NaCl, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है NaCl. हाइड्रोजन की मैं बात बताऊँ आपको, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 हाथ होता है, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 हाथ होते हैं. तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इस वाले हाथ के साथ हाइड्रोजन को ले लेता है, हाइड्रोजन अपने 1 हाथ के साथ चला जाता है, इस वाले हाथ के साथ दूसरे हाइड्रोजन को ले लेता है, इधर चला जाता है. तो क्या बनता है आपका, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो H2O बन गया. बस यही कंसेप्ट आपको लगाना है, आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. देखिए इसी बेस पे मैं आपको CCl4 बताती हूँ. यहाँ पे C का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 6. आप पीरियडिक टेबल में देखें, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 4, क्योंकि 8 तो आ नहीं सकता, जो कॉन्फ़िगरेशन का तरीका है दैट इज़ 2, 8, 8 ऐसे होता है. तो यहाँ पे 8 नहीं आ सकता, 4 बचा. अब इसके आउटर मोस्ट शेल में रह गए 4 हाथ. ठीक है, इसके पास बचे 4 हाथ. अब ये क्या करेगा, ये इसने बांधना शुरू करा क्लोरीन के साथ. हमने अभी देखा था कि क्लोरीन के पास सिर्फ 1 हाथ होता है. ठीक है, ये वैलेंसी है, आगे आप बात करने वाले हैं. तो ये क्लोरीन क्या करेगा, अपना 1 हाथ इसको देगा क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन फिर दूसरा क्लोरीन. तो इस तरीके से एक कार्बन जो है वो 4 क्लोरीन को बाइंड कर सकता है. ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बच्चों बनने वाला है दैट इज CCl4. बस इसी तरीके से आपके सारे फॉर्मूले बन जाएंगे. MgCl2 को अगर हम देखें तो Mg मैग्नीशियम, 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है इसका. इसको हम करें तो ये हो जाएगा आपका 2, 8 और 2, 2 बचेंगे. तो मैग्नीशियम के पास 2 हाथ होते हैं, क्लोरीन के पास 1, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो MgCl2 बन जाएगा. ठीक है, तो ये सब इसी तरीके से आप इसको बना के देख लीजिए. उसके आगे आपके पास एक तरीका और आता है बच्चों, ये आपका है मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, देखिए मॉलिक्यूलर मास अभी तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है × 1, तो 2 + 16 ये हो जाएगा 18. ठीक है, देन फॉर्मूला यूनिट मास. फॉर्मूला यूनिट मास भी आपका एटॉमिक मास की तरह ही होता है, बस यहाँ पे वर्डिंग चेंज है. फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपके पास NaCl है, NaCl, तो यहाँ पे Na का मैंने आपको बताया 23 मास होता है, Cl का क्लोरीन का 35.5, तो ये हो जाएगा 58.5 CCl2. तो बच्चे इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो मासेस होते हैं, सम ऑफ मासेस, जो रिएक्टेंट के मासेस होते हैं, मान लो 100 ग्राम का आपका रिएक्टेंट है तो 100 ग्राम का ही आपका प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट भी सेम रहता है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. किसी भी प्योर केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. एक एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है किसी भी एलिमेंट का, और यूजुअली एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. जैसे मैंने आपसे कहा ऑक्सीजन जनरली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ऑक्सीजन दूसरे के साथ बनकर डायटोमिक बना लेता है. लेकिन कुछ होते हैं जैसे कि आपका हीलियम है, ऑर्गन है, ये इंडिपेंडेंटली रहते हैं. अ मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि ये जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, कंपाउंड का. ठीक है, ऑर्डिनरी कंडीशंस में केमिकल फॉर्मूला जो होता है किसी भी कंपाउंड का, उसमें कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं एलिमेंट्स के, नंबर ऑफ एटम्स एंड ईच कंबाइनिंग विद एलिमेंट. तो बच्चों ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, आगे आप देखें आपको कुछ समझ में नहीं आता, यू कैन आस्क टू मी. थैंक यू.